रायबरेली जिला अस्पताल में गुरुदेव महंत अवैधनाथ की नवमी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हुआ समरसता भोजन एवं फल वितरण कार्यक्रम विश्व हिंदू महासंघ के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं द्वारा रोगियों को फल वितरित करके महंत को श्रद्धांजलि दी गई। 12 सितंबर से 18 सितंबर के बीच हर वर्ष आयोजित होता है पुण्यतिथि कार्यक्रम। कार्यक्रमों की कड़ी में जिले के विभिन्न स्थान पर संघ की इकाई द्वारा रक्तदान, पौधारोपण और प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं राजकुमारी सिंह, विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति की अध्यक्ष हूँ। जिला स्तर में क्या कार्यक्रम किया गया? ये आज परम पूजनीय योगी जी महाराज के गुरु श्री अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि पे, नौवीं पुण्यतिथि पे हम लोगों ने फल वितरण का प्रोग्राम रखा हुआ था। सिंह, योगी सेवक, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ भारत रायबरेली। सर, जिला स्तर में क्या कार्यक्रम किया गया आप लोगों? आज परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज, राष्ट्रीय संत, पूर्व गोरस पीठाधीश्वर, पूर्व सांसद महाराज अवैधनाथ जी की नवमी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग, हमारे साथ विश्व हिंदू महासंघ भारत की मातृशक्ति टीम एवं हमारी जिला कार्यकारिणी के साथ हम लोगों ने जिला अस्पताल रायबरेली में भर्ती मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। समरसता के महानायक जनक महाराज अवैधनाथ जी को हम लोगों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये कार्यक्रम क्या आप लोग हर साल इसी प्रतिवर्ष हम लोग 12 सितंबर से 18 सितंबर तक पूज्य महाराज जी की जो है हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे जनपद के सभी ब्लॉकों में विश्व हिंदू महासंघ इकाई के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें वृक्षारोपण, रक्तदान और सहभोज कार्यक्रम भी सम्मिलित है। माधव त्रिपाठी, जिला संयोजक विश्व हिंदू महासंघ। आज हम लोगों ने फल वितरण कार्यक्रम किया है। आज गोरक्षनाथ मंदिर के पूर्व महंत व योगी आदित्यनाथ जी के गुरु अवैधनाथ जी की आज नौवीं पुण्यतिथि है, जिसको लेकर के हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए जिला अस्पताल में फल वितरण किया है। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। और हम लोगों की एक प्रतिज्ञा है, जैसे अवैधनाथ जी का एक लक्ष्य था कि हिंदुओं का आय करना, हिंदू राष्ट्र की थी, उसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि हिंदू राष्ट्र घोषित करा के देंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।